दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह अपने फोन के नेट को वाईफाई से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को यूज करते हैं, उसमें विंडो 10 यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत ही जल्दी जो है आपका डाटा पैक खत्म हो जाता है। 1 या 1.5 GB का डाटा पैक 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे भी नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, उसका कारण क्या है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। फ्रेंड्स, 3-4 ऐसी सेटिंग्स है जिसे अगर हम कर लें तो अपने डाटा पैक का यूज हम पूरे दिन पूरी रात बड़े आराम से अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में कर सकते हैं और हमारा डाटा भी खत्म नहीं होगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। इससे होगा क्या फ्रेंड्स कि जब भी हम अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टेक्निकल देव, आप देख रहे हैं न्यूज टेक्निकल ज्ञान। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम वजह जान लेते हैं कि हमारा डाटा पैक क्यों खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम विंडो बार पर क्लिक करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि विंडो की कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं, तो ये ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स अपडेट होती जाती हैं जिससे हमारा बहुत सारा डाटा यूज हो जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, दूसरा कारण जो है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की ये माइक्रोसॉफ्ट की एप्स जो है अपने आप अपडेट होती रहती हैं, तो ये भी जो है बहुत सारा डाटा का हमारा यूज कर लेती हैं जिनकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। उसके अलावा विंडो 10 खुद भी अपने आप को अपडेट करता है। तो हम यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो अपडेट एंड सिक्योरिटी पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये विंडो अपडेट का जो ऑप्शन आ रहा है, तो ये देखिए आप देख सकते हैं मेरा जो लास्ट चेक जो है वो दिखा रहा है यहाँ पर की। तो फ्रेंड्स, ये 2-3 चीजें हैं जो अपने आप हमारे डाटा को यूज करती हैं और बहुत सारा डाटा हमारा यूज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम अपने डाटा को कैसे बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम विंडो बटन पर क्लिक करेंगे और हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पर साइन इन के बगल में 3 डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपनी सेटिंग्स में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सेटिंग्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर अपडेट एप्स ऑटोमेटिकली ऑन है, लाइव टाइल, शो प्रोडक्ट्स ऑन टाइल ऑन है, प्ले वीडियो ऑटोमेटिकली ऑन है। तो हमें फ्रेंड्स इन तीनों को ही ऑफ कर देना है। इससे होगा क्या फ्रेंड्स कि कोई भी एप्स ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगी और हमारा डाटा खर्च नहीं होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो दूसरी सेटिंग्स है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। विंडो बार पर हम क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये एप्स दिखाई दे रही है इस पर भी हम राइट क्लिक करेंगे और मोर पर क्लिक करेंगे। तो मोर पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ जो टर्न लाइव टिल ऑफ आ रहा है, इस पर हम क्लिक करके इसको ऑफ कर देंगे। और कभी आपको लगता है फ्रेंड्स कि आपको इसे ऑन कर लेना है तो टर्न लाइव टिल ऑन को हम यहां से ऑन कर लेंगे। तो फिलहाल अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं सभी एप्स को। उसके अलावा फ्रेंड्स, तीसरी जो हमारी सेटिंग्स है डाटा सेव करने की, उसके लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाएंगे। उसके बाद हम विंडो अपडेट में जाएंगे। विंडो अपडेट में जाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो है एडवांस ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट ऑप्शंस में गिव मी अपडेट फॉर अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट व्हेन आई अपडेट विंडो, ऑटोमेटिकली डाउनलोड अपडेट और वेल शो ए रिमाइंडर व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ये तीनों ही सेटिंग जो ऑन है हम इसको फ्रेंड्स ऑफ कर देंगे। तो ये 3 सेटिंग्स फ्रेंड्स अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी में कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपका डाटा बिल्कुल भी जल्दी खत्म नहीं होगा, आप उस डाटा का बहुत ज्यादा पूरे दिन यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो आज की बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स तो फटाफट वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर चैनल पर पहली बार आए, और कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की यूजफुल नॉलेज वाली वीडियो लगातार आती रहती है। और फ्रेंड्स, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई यूजफुल टेक्निकल जानकारी के साथ में, तब तक के लिए।